अच्छा जी, कैसा रहा आप लोग का पहला सेशन? अच्छा रहा। क्या सीख के आए वहाँ से आप लोग? ठीक है, फर्स्ट एड भी सीखा। ठीक, अच्छा, इस स्टॉल में आने का मकसद ये है कि पाकिस्तान बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन ने जो है सेफ होम हार्म के हवाले से एक पॉलिसी बनाई है, जिसके मुताबिक ये है कि किसी को नुकसान से बचाना है। अब यहाँ पे किसी क्या है, दो बातें आती है, एक अपनी सेल्फ को और दूसरा दूसरे की सेल्फ को। ठीक है, आपने क्या करना है, खुद भी सेफ रहना है और दूसरे को भी सेफ रखना है। ठीक, अच्छा, इस पॉलिसी के मुताबिक ये था कि यूथ और बच्चों से जो बदसलूकी है उससे उसको बचाना है। ठीक, इसमें जो है बदसलूकी से मुराद यहाँ पे दो बातें आ जाती है, एक वर्बली एक फिजिकली। ठीक है, दूसरा वर्बली लिहाज से क्या होता है कि हम क्लास में आपस में जो बातचीत, हमारा बिहेवियर कैरेक्टर जो होता है ना बात करने का, एक दूसरे को बुलिंग करना, एक दूसरे को टोन करना, एक दूसरे को मामूली बातों में बुरे अलकाबात से पुकारना, ठीक है, तो ये चीज़ें हमें क्या करता है, अनसेफ फील कराता है। हम खुद भी अनसेफ फील करते हैं और दूसरे को भी करा रहे होते हैं, और माहौल को क्या कर देते हैं, बिल्कुल ही बिगाड़ देते हैं, यानी अनसेफ हो जाता है माहौल भी हमारा, इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इन चीज़ों से हमने क्या करना है, खुद भी बचना है और दूसरे को भी बचाना है। अच्छा, दूसरी बात मैंने कही थी फिजिकल के लिहाज से क्या है, यहाँ पे गुड टच और बैड टच के बारे में तो सुना होगा सभी ने, क्या होता है गुड टच, कोई बताएगा जोर से? ठीक है, बहन भाई का टच और अच्छा, और बेड टच क्या होता है? स्ट्रेंजर, गुड टच। ठीक है, और बेड टच क्या होता है, जहाँ पे आपको अनसेल्फ फील हो और आप कंफर्टेबल फील ना करें और आपका दिल घबराए कि भाई मैं किन के दरमियान बैठी हूँ या इसका हाथ लगाना मुझे बिल्कुल ऑकवर्ड लग रहा, सही नहीं लग रहा, तो क्या आप उनके दरमियान उठना बैठना पसंद करेंगी? नहीं करेंगी, आप फौरन वहाँ से हटेंगी, तो वो कहलाता है बेड टच। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कोई दो बेस्ट फ्रेंड, यहाँ सब आपस में एक दूसरे को जानते हैं? Yes. सभी जानते हैं? Yes. नहीं, बेस्ट फ्रेंड के अलावा अजनबी कोई है यहाँ पे एक दूसरे को ना जानता हो, यानी अलग कैंपस से आया हो? अलग कैंपस के ना, तो ठीक है, आप में से कोई एक आ जाए और आप में से कोई एक आए, कोई भी आ जाए, आ जाए कोई भी एक आ जाए, आप दोनों इधर आ जाए सामने, और जो सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है वो भी आ जाए, दो, कोई दो आइएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब सबसे पहले तो आप दोनों ने क्या करना है, एक दूसरे को हैंडशेक करना और हग करना है। ठीक है, आप दोनों ने भी और आप दोनों, पहले आप करेंगी। ठीक है, अब आप करें। अच्छा जी, हंसने वाली बात नहीं, सुने क्या हो रहा है ये, अब आप बताइए कैसा फील हुआ आपको? अच्छा, क्यों? बेस्ट फ्रेंड्स जानते हैं एक दूसरे को, इसीलिए आपको अच्छा फील हुआ, सेफ महसूस हुआ, इनका हाथ लगाना, मिलना। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू। और आप दोनों को? क्यों? जानते नहीं थे पहले, एक दूसरे को जानते नहीं हैं आप लोग। ठीक है, और टच करना, मिलना भी घबराहट हो रही थी कि मैं मिलूं तो कैसे मिलूं इनसे, है ना, अच्छा फील नहीं हो रहा था, थोड़ा सा फीलिंग अच्छी नहीं आ रही थी। थैंक यू। तो ये चीज़ है, ठीक है, गुड टच और बेड टच में बेशक वो है, वो भी गले ये भी गले, लेकिन फीलिंग थोड़ी सी क्या आई आपको, डिफरेंट आई। अगर यही आप बेस्ट फ्रेंड के साथ करती तो अच्छी ज़्यादा फीलिंग आती है ना, तो ये कहना चाह रही हूँ कि गुड टच और बेड टच में ये फ़र्क है। गुड टच में ऐसे बंदे जिनसे आपको मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हो, अच्छा लगे, आपको लगे कि कभी आपके साथ बुरा नहीं हो सकता, वो गुड टच, और वही आपके सबसे सेफ लोग होते हैं, सेफ दायरेकार, यानी क्या कहते हैं, सर्कल आपका। ठीक है, और बेड टच वो हो जाता है जिसमें आपको बिल्कुल ही अनसेफ फील हो और वो आपके उस दायरेकार या उस सर्कल में नहीं आ सकते जो आपको सेफ फील कराए। ठीक है, समझ आ गई बात यहाँ तक? ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसी
पॉलिसी के अंदर हमारा तीसरा पॉइंट ये था कि हमारा जो स्काउट है वो आपको मेंटली और फिजिकली दोनों लिहाज से स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। तो आपकी हेल्थ पे भी काम करता है। जैसे अभी आप लोग एडवेंचर करेंगे, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करेंगे, उसमें आपको क्या लगेगा, अच्छा फीलिंग आएगी, ठीक है। और आपका मेंटल और फिजिकल दोनों लिहाज से आप स्ट्रॉन्ग भी होंगे और फ्रेश भी रहेंगे मेंटली तौर पर, ठीक। अच्छा, तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि क्या होगा, फीलिंग आपकी जो है वो होगी